स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नेटवर्क में। एक खबर जो आज सुर्खियों में गौतम बुद्ध नगर में बनी हुई है वह यह है कि दो कार्यकालों से सांसद के रूप में कार्यभार संभाल रहे डॉक्टर महेश शर्मा जी को जो है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लोकसभा टिकट दिया है। क्या कुछ नोएडा की जनता इस बारे में सोचती, तमाम जो गणमान्य लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ लगता है। सर क्या कुछ लगता है जो डॉक्टर महेश शर्मा उनको टिकट मिल चुका है? जी देखिए, यहाँ की जनता के साथ बहुत न्याय हुआ है और डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बहुत काम किया धरातल पर। इतना काम अगर गिनाने लगे तो घंटों टाइम लग जाएगा और डॉक्टर साहब ने सबके बीच में रह करके जमीन स्तर पर काम किया। सारे कार्यकर्ताओं से मिलकर अपने 10 साल का जो कार्यकाल था उसमें हमेशा डटे रहे और आज यही कारण है कि जनता का विश्वास सब कुछ होते हुए ऊपर से हमारे शीर्ष नेतृत्व को मजबूर होकर उनको फिर से जो है तीसरी बार टिकट देने को मजबूर होना पड़ा। जी कई खबरें आ रही थी कि कई लोग जो हैं वो सांसद के टिकट के लिए कहीं ना कहीं लाइन में लगे हुए, क्या कुछ मानना है? सबका हक है, हम स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक हैं, सभी का हक है मांगने का, लेकिन कहते हैं कि मिलता उसी को है जो कर्म योगी होता है, जो कर्म करता है। तो उसका प्रमाण आपके सामने है कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी को तीसरी बार पुनः प्रत्याशी बनाया गया है। जी आपका क्या नाम है सर, क्या कुछ मानते हैं? मेरा नाम अनिल पेशावरिया है और डॉक्टर साहब ने यहाँ नोएडा में रह करके बहुत काम किया है। सांसद से पहले डॉक्टर रहते हुए भी बहुत उनको लोग अच्छे से जानते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर साहब एक एक को नाम से जानते हैं। तो यही है डॉक्टर साहब की लोकप्रियता का राज, ये जनता को समर्पित होने की एक पहचान भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश जोशी है। मेरा मानना है कि उनकी मेहनत का नतीजा है ये जो आज उनको तीसरी बार टिकट मिला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज है। क्या कुछ और है? जिस तरीके से आज केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे डॉक्टर साहब जी सांसद जी हैं उनका नाम घोषित किया, उसका पहले तो हम आभार व्यक्त करते हैं उन सभी का। और हमारे जो सांसद जी हैं वो एक नेता तो है ही है, सांसद तो है ही है, वो हमारी जो जनता है, जो लोग गौतम बुद्ध नगर की जो जनता है उसके बीच भी सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं और वे बहुत ही अच्छे सांसद। और आपका क्या नाम? मुकेश शर्मा। क्या कुछ लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो फैसला लिया गया? बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो उन्होंने तीसरी बार डॉक्टर साहब पर भरोसा करा और डॉक्टर साहब ने जमीन स्तर पर काम करा है। कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका जो विश्वास है, जो प्यार था, वो आज निकल के आया है बिल्कुल। और उन्होंने जमीन स्तर पर जो कार्य किए हैं उसकी मतलब सराहना करने हम बहुत बहुत सराहना करते हैं और शीर्ष नेतृत्व का पुनः धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तीसरी बार डॉक्टर साहब को टिकट दी। आपका क्या नाम है सर? दिनेश गौतम, ब्रजवासी। जी क्या कुछ लगता है, आप ब्रजवासी, आपके नाम में है भगवान श्री कृष्ण की महिमा और मंदिर में हम लोग खड़े हैं, क्या कुछ लगता है कि जो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया गया है? बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, इसके लिए हम अपनी पार्टी को और उच्च अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाइयां देते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और डॉक्टर साहब अमीर और गरीब जनता का सबका आशीर्वाद प्यार मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने तमाम नोएडा के जो गणमान्य लोग थे उनसे जाना कि किस तरीके से फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है और उनके जमीनी स्तर पर कार्य करने और जनता के लिए हमेशा समर्पित रहने के कारण उनको तीसरी बार लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी के तौर पर टिकट दिया गया। आपकी क्या खुश राय कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज नेट।